में जहां पर हम बात करेंगे जेम सर्विसेज को कैसे सीएससी सेंटर्स के माध्यम से दिया जाएगा। अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स का रजिस्ट्रेशन। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता है कि जेम सर्विसेज में बायर्स और सेलर्स दोनों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाता है डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर। तो किस प्रकार से हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से जेम सर्विसेज के लिए बायर्स और सेलर्स दोनों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम उसकी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़े, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इंसेंटिव्स क्या होंगे हमारे बायर्स एंड सेलर्स का रजिस्ट्रेशन। अगर हमारे वीएलईस करते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर से, तो उनको क्या बेनिफिट होगा, उनको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, उनको उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपके सामने बता देना चाहता हूँ कि बायर्स एंड सेलर्स दोनों का ही रजिस्ट्रेशन बायर्स और सेलर्स के लिए फ्री है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर बायर का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वीएलई के माध्यम से, तो उसको 40 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, और अगर वो सेलर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको 80 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सो ये ह्यूज इंसेंटिव है इस सर्विस के अंदर। तो अभी बायर्स और सेलर्स की हम लोग डिटेल बात करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, किस प्रकार से बायर्स का रजिस्ट्रेशन हमारे सीएससी वीएलई करने वाले हैं। सो चलिए बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। बायर्स अकाउंट अगर क्रिएट होता है जेम पोर्टल पर, तो क्या एडवांटेज है उसकी, हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बायर्स का मतलब होगा जो सामान को खरीदने वाले हैं, जो खरीदार लोग हैं। अब वो उनको बेनिफिट्स होंगे, हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने जब बायर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो अपने एडवांटेज बता सकते हैं, उनको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताएं, तो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज की जो इंडिविजुअल कैटेगरी है, उसके अंदर आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलने वाली है। यू हैव अ रिच लिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट। सेकेंड है इसके अंदर कि अगर आप बायर ही हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, तो आपके पास में काफी सर्च है, आप कंपेयर कर सकते हैं आइटम्स को, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास खरीदने की फैसिलिटी भी होती है। ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बाइंग करना बहुत आसान है आपके लिए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर अप टू डेट हैं, कि आपका डैशबोर्ड आपको मालूम चलता है कि आपने खरीदा क्या है, आप कैसे सप्लाई कराएंगे, उसकी पेमेंट का मेथड क्या रहेगा। ये सब चीजें एडवांटेजेस के अंदर में आती हैं। अब अगर हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक अपने कॉमन सर्विस सेंटर से कोई बायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं, स्टेजेस को लेके बात करते हैं। सबसे पहले जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनके डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई का मतलब वेरिफिकेशन होगा, एचओडी के आधार का, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा, उनका डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी डिटेल्स ऑफिशियल डिटेल्स होती है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूवल के लिए वेरीफाई अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, प्रोफाइल कंप्लीट किया जाएगा। एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद खूबसूरत बात जो इस पोर्टल के अंदर है बायर की रजिस्ट्रेशन में, वो है कि इसमें एचओडी के पास पूरी लिबर्टी है कि वो डिविजन्स को ऐड कर सकते हैं, सेकेंडरी यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक, अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले किसी भी बाकी सर्विस की तरह आपको लॉगिन करना होगा आपके डिजिटल सेवा पोर्टल को, और आप यहाँ पर सर्च ऑप्शन में जाके आप सर्च करेंगे जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM, आप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे ही आपके सामने दी हुई स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप जेम सर्विस पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको जेम रजिस्ट्रेशन पेज पर लेके चला जाता है। कुछ इस प्रकार का हमारा जेम रजिस्ट्रेशन पेज होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने नजर आते हैं, क्रिएट बायर अकाउंट, अपडेट बायर अकाउंट, क्रिएट सेलर अकाउंट, अपडेट सेलर अकाउंट। चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं किस प्रकार से बायर अकाउंट को बनाया जाएगा, कैसे बायर अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा क्रिएट बायर अकाउंट पर। अब यहाँ पर आधार डिटेल्स एंटर की जाएंगी एचओडी, और क्लिक करेंगे हम लोग वेरीफाई आधार बटन पर। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो एचओडी है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, हम लोग उनका आधार नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर जो उनके आधार नंबर के साथ में लिंक होगा उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, और कंसेंट देते हुए हम लोग क्लिक करेंगे वेरीफाई आधार पर। जैसे ही हम लोग वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स एंटर करेंगे। जैसे मैंने स्टेजेस में आपको भी बताया, तो यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल एंटर करेंगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी एचओडी का, और यहाँ पर हम लोग उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी पर। जैसे ही आपके पास वन टाइम पासवर्ड आ जाता है, मतलब हमारे जो एचओडी है अगर उनके पास वन टाइम पासवर्ड आ जाता है उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, वो हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, ओटीपी यहाँ पर एंटर किया जाएगा, उसके बाद में हम लोग उसको वेरीफाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, आधार नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग करते हैं यूजर आईडी क्रिएशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस एरो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया गया है यूजर आईडी क्रिएशन। तो यहाँ पर आप अपनी कोई भी इच्छा के अनुसार एक यूजर आईडी यहाँ पर चुनेंगे, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट पर। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद ये ऑटो लॉग्ड हो जाएगा। अभी
वेरीफाइंग अथॉरिटी को सेलेक्ट करने में, मतलब हम लोग अगली स्टेज पर आ चुके हैं जहां पर हमारी रिक्वेस्ट को अप्रूवल के लिए वेरीफाई अथॉरिटी के पास में जाना होगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट करना होगा आपका वेरीफाई अथॉरिटी, आप उसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन पर। जैसे यहां पर इसको अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एचओडी को एक कंफर्मेशन ईमेल प्राप्त होगा वीएस अप्रूवल, मतलब वेरीफाइंग अथॉरिटी के अप्रूवल का एक कंफर्मेशन ईमेल उसकी ईमेल आईडी पर प्राप्त होता है। प्रोफाइल तब अपडेट होगा जब आपके वेरीफाइंग अथॉरिटी का अप्रूवल आपके पास में आ जाता है। जैसे आपके पास में ईमेल प्राप्त हुआ, उसके बाद में वापस से आप जेम का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर बाकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपडेट बायर अकाउंट। आप इसको देख रहे होंगे अपडेट बायर अकाउंट पर, जैसे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा एचओडी यूजर्स को, प्रोसीड बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे वेरीफाई करते हैं उनके ईमेल आईडी से, उनके मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट से। और यहाँ पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आपके पास वापस से आता है जिससे आप यहाँ पर उसको वेरीफाई करेंगे। सो आपके एचओडी यहाँ पर वेरीफाई हो चुके हैं, मतलब अब हम यहाँ पर बायर अकाउंट अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस अपडेट करेंगे, पेमेंट मेथड यहाँ पर आप अपडेट करेंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रहती है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप उसको अपडेट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप सेव बटन पर। आपने क्लिक किया सेव बटन पर, उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास में आता है कि अब हमारे एचओडी सेकेंडरी यूजर को भी ऐड कर सकते हैं मल्टीपल डिविजन के बेसिस पर, मल्टीपल पोस्ट के बेसिस पर ये सेकेंडरी यूजर्स को ऐड किया जाता है। तो ये बायर के अकाउंट का क्रिएशन था, इस प्रकार से हम लोग बायर अकाउंट को क्रिएट करते हैं।